देखिए एक आपका भाव ही, चाहे वो गोपियों का हो, मीरा का हो, कर्मा का हो, भोजन आप भी बनाती हो, लेकिन परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। हमारे संतों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा, आप कुछ तो बोल दिया करो, जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा। अब कुछ माताएं कहती है कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। जिसका मन बस में होता है उसके बस में सब होता है, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। अब घर में भोजन बनाने का काम, अन्न की जिम्मेवारी किसकी है? माताओं की है, है? और संत कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। जब वो अन्न आपके हाथ में, आप ही रोटी बनाती हो या फिर भाइयों से बनवाती हो, आप ही बनाती हो। अगर अन्न आपके बस में है तो फिर आपके बच्चे और आपके पति आपके बस में क्यों नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि भोजन बनाते समय आप सोचती हो क्या, पड़ोसियों का बेटा बिगड़ जाए, पड़ोसियों के घर लड़ाई हो जाए तो मुझे आनंद आए। अब भोजन बनाते समय जो विचार आते हैं, वो विचार उस भोजन को प्रभावित करते हैं, और आपके द्वारा बनाए हुए उस भोजन को पड़ोसियों के बेटे और पड़ोसियों के पति नहीं खाते। कौन खाता है? आपके बेटे, आपके पति। और लड़ाई किसके घर में होती है? हाथ उठाना, नहीं उठाओगे? जो जो अच्छी अच्छी माता है हाथ उठाना। सभी बुरी बन के बैठी हो। लड़ाई सबके घर में होती है, लेकिन जब लड़ाई होती है तो आप पूछते हो लड़ाई क्यों हुई? कोई कहता है बाथरूम बदल ले, तेरे घर में वास्तु दोष है, होता है ऐसा? कोई कहता है कोई चित्र लगा ले, कोई कहता है कोई यंत्र लगा ले, कोई कोई तो कहता है कि घर में झाड़ू खड़ी करने से लड़ाई होती है। घर बदल लिया, बाथरूम बदल लिया, यंत्र लगा लिए, लेकिन स्वभाव और विचार नहीं बदले। जब तक विचार नहीं बदलोगे तब तक लड़ाई स्वाभाविक है। तो भोजन बनाते समय एक काम अवश्य किया करो, या तो भगवान का भजन किया करो, या फिर एक ही शब्द है जो भगवान को सबसे प्यारा लगता है, कौन सा शब्द? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। बस यही आपके बच्चों को, विचारों को बदल देगा, आपके घर को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। अनेकों लीलाएं की हैं, माखन चोर लीला की, केवल गोपियों को रिझाने के लिए। छोटी सी छाछ पर भगवान मोहित हो जाते हैं, गोपियों से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं।